यश कुमार मिश्रा जल्द ही रचाएंगे दूसरी शादी। जी हाँ, इस वीडियो में हम आप सभी को मिलाने वाले हैं यश की दूसरी पत्नी से, जो दिखने में बहुत खूबसूरत है और उनके आगे भोजपुरी की सारी हीरोइनें फेल हैं। तो हम वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो देखने के बाद इसे शेयर जरूर करें। और हाँ, अगर आप सब इस चैनल के माध्यम से कोई प्रचार कराना चाहते हैं या फिर अपने टैलेंट को हमारे चैनल के माध्यम से दुनिया को दिखाना चाहते हैं, तो हम इंस्टाग्राम पर फॉलो कर मैसेज कर सकते हैं। लिंक आप सभी को नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। यश कुमार मिश्रा भोजपुरी के जाने माने सुपरस्टार हैं और इतना ही नहीं, यश कुमार अब खुद फिल्मों को प्रोड्यूस करते हैं। अब बात कर ले इनकी पर्सनल लाइफ की, तो यश कुमार तलाकशुदा हैं। जी हाँ, यश कुमार ने अपने कैरियर के शुरुआती दिनों में भोजपुरी की फेमस एक्ट्रेस अंजना सिंह से शादी रचाई थी। दोनों ने लव मैरिज किया था। इनको एक बेटी भी हुई जिसका नाम अदिति है। यश अंजना का रिश्ता ज्यादा नहीं चला। आपसी मनमुटाव के चलते इनके रिश्ते में ऐसी दरार आई कि दोनों ने तलाक ले लिया। अंजना और यश का साथ बस कुछ ही साल चला और फिर दोनों अपने अपने काम में लग गए। बेटी की होने की वजह से दोनों ने अपने बीच दोस्ती का रिश्ता बरकरार रखा ताकि बेटी को माता पिता का प्यार मिल सके। वल इनके तलाक को कई साल हो गए हैं। अंजना की लाइफ में किसी हमसफर ने तो अभी एंट्री नहीं मारी है, लेकिन यश कुमार की लाइफ में उनकी जीवन संगनी दाखिल हो चुकी है, जिसके साथ यश अपनी पूरी जिंदगी बिताने के लिए तैयार है। जी हाँ, और वो एक्ट्रेस कोई और नहीं बल्कि आप सबकी लुलिया निधि झा है। जी हाँ, निधि ही वो लड़की है जिसने फिर से यश कुमार का दिल चुरा लिया है। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और इस बात का खुलासा उन्होंने कई बार सोशल मीडिया पर किया है। इतना ही नहीं, इनके प्यार के बारे में पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री को पता है और सभी बस उस दिन का इंतजार कर रहे हैं जब ये दोनों शादी के पवित्र बंधन में बंधते नजर आएंगे। दोनों एक साथ बहुत अच्छे भी लगते हैं। वेल, आप सभी को इनकी जोड़ी कैसी लगती है बताइए हमें नीचे कमेंट बॉक्स में, और क्या निधि झा अंजना सिंह से भी ज्यादा खूबसूरत है ये भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।